वीवो ने अभी हाल ही में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च किया जिसका नाम है V19। और मेरे बहुत से जो फ्रेंड्स हैं जो कि मेरे व्यूवर्स हैं मुझसे पूछ रहे हैं कि सर वीवो V19 लिया जाए या पोको X2। तो आज उनके लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ, उनका स्पेसिफिकेशन बेस्ड कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। और जो लोग इन दोनों में से फ़ोन लेने में कंपेरिजन कर रहे थे और कन्फ्यूज़ हो रहे थे उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद होगा। सबसे पहले डिज़ाइन और डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि दोनों ही फ़ोन देखने में काफ़ी शानदार हैं, आपको अलग अलग लुक्स मिल जाती है। यहाँ पे हम किसी को आगे पीछे नहीं कह सकते क्योंकि पोको X2 भी अपनी जगह काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखने में, तो वीवो V19 भी काफ़ी अच्छा लगता है विद बॉक्स शेप कैमरा मॉड्यूल। अगर हम यहाँ पे नीचे देखें तो दोनों में आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, 3.5 ऑडियो जैक दिया गया है, तो कनेक्टिविटी के लिए भी परेशानी नहीं है। दोनों में आप टाइप सी चार्जर कनेक्ट कर सकते हैं दोनों में, और 3.5 ऑडियो जैक भी आपको मिल जाता है। लेकिन जब यहाँ पे हम थिकनेस की बात करेंगे तो वीवो V19 आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि थोड़ा सा पतला है एज़ कम्पेयर टू पोको X2, और लाइट वेट भी है स्मार्टफोन। पोको X2 में जो है वो आपको यहाँ पे मेटल फ्रेम मिलता है, थोड़ा भारी है स्मार्टफोन क्योंकि स्क्रीन साइज भी बड़ा है और मेटल फ्रेम भी है। वीवो V19 लाइट वेट है तो इजीली आप कैरी कर सकते हैं। आपको बता दूं कि दोनों में बैक पैनल पर ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है। वीवो V19 में आपको गोरिल्ला ग्लास 6 मिलता है, तो पोको X2 में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है। आगे बढ़ते हुए डिस्प्ले पर नजर डालते हैं, आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले थोड़ा सा अलग है, दोनों का साइज़ अलग मिल जाएगा। और एक और चीज़ भी अलग है वो बताता हूँ मैं आपको। पोको X2 मिलता है 6.67 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले विद डुअल पंच होल। वहीं अगर हम वीवो V19 की बात करेंगे तो इसमें भी आपको डुअल पंच होल मिलता है, इसमें दिया गया है 6.44 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले। पर थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें पोको X2 में आपको जो है IPS LCD टेक्नोलॉजी मिलती है, तो वीवो V19 में सुपर AMOLED टेक्नोलॉजी दी गई है। लेकिन यहाँ पोको X2 बाजी मारता है, 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट इसमें आपको मिल जाता है, जिस वजह से इसमें भी व्यूइंग एक्सपीरियंस जो आप अपने टास्क करेंगे वो काफ़ी स्मूथ रहेगी एनिमेशन उनकी। लेकिन इसमें आपको जो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा क्योंकि सुपर AMOLED टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। और इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, तो टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस है। आप अपने फ्रेंड्स को टशन मार सकते हैं फ्रंट में फिंगरप्रिंट सेंसर दिखा के। लेकिन पोको X2 में साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि पावर बटन के साथ ही अटैच्ड है, यानी इसको प्रेस करेंगे तो पावर बटन भी काम करता है और फिंगरप्रिंट सेंसर का भी काम करता है। आगे बढ़े हम स्पेसिफिकेशंस पे, तो यहाँ पोको X2 थोड़ा सा आगे निकलेगा क्योंकि इसमें दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट, जबकि वीवो V19 में दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 चिपसेट। इसमें यानी वीवो V19 में आपको 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है एज अ बेस वेरियंट, जबकि अगर हम पोको X2 की बात करेंगे तो इसमें बेस वेरियंट है 6GB रैम के साथ 64GB की स्टोरेज। तो यहाँ पे रैम स्टोरेज में तो वीवो V19 बाजी मारता, लेकिन प्रोसेसर में पोको X2 आगे निकल जाता है। अब बैटरी की बात करें, प्रोसेसर तो चलो थोड़ा अच्छा है पोको X2 का, लेकिन बैटरी क्या, तो बैटरी भी दोनों की सेम है, 4500 mAh की बैटरी दी गई है। लेकिन चार्जिंग स्पीड वीवो V19 में ज़्यादा मिलेगी, 33 वॉट की चार्जिंग स्पीड V19 में मिल जाती है, जबकि पोको X2 में दी गई है 27 वॉट की चार्जिंग स्पीड। अगर आप इन दोनों का चार्जिंग टेस्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं जल्द से जल्द चार्जिंग टेस्ट लाने की कोशिश करूँगा आपको और आपको बताऊँगा कि कौन सा चार्जिंग स्पीड के मामले में बेटर है। कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ज़्यादा कॉमेंट्स होंगे चार्जिंग स्पीड के लिए तो ही करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा मैं, क्योंकि यार आप लोग जब देखना ही नहीं चाहेंगे तो मैं क्यों बनाऊँ, है ना भाई। प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि देखना चाहते हैं या फिर नहीं। अब बात आती है कैमरास की, तो उस केस में अगर हम रियर कैमरा की बात करें तो ऑन पेपर्स पोको X2 बाजी मारता है। 64+8+2+2 मेगापिक्सल के चार कैमराज हैं, 64 मेगापिक्सल सेंसर जो है वो रेगुलर फोटो क्लिक करता है, 8 मेगापिक्सल सेंसर जो है वो वाइड एंगल है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है। वहीं बात करें वीवो V19 की तो उसमें मिलता है 48+8+2+2, तो आप देख सकते हैं कि जो इसका 48 मेगापिक्सल सेंसर है वो ऑन पेपर्स तो कमज़ोर है 64 मेगापिक्सल से। हालांकि कंपैरिजन नहीं किया मैंने इसलिए मैं अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ, बट मैं ऑन पेपर्स बात कर रहा हूँ कि 48 मेगापिक्सल है, तो हालांकि ज़्यादा रेजोल्यूशन उनसे क्वालिटी का फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन हाँ जब जूम करते हैं तो डिटेलिंग लॉस होती है कम रेजोल्यूशन वाली फ़ोटोज़ में, तो इसमें जूम करने पर डिटेलिंग लॉस नहीं होगी। एटलीस्ट कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वो मेंशन जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ इसमें भी आपको 8 मेगापिक्सल+2+2 मेगापिक्सल के 3 अदर कैमराज मिल जाते हैं, 8 मेगापिक्सल वाइड है, 2 मेगापिक्सल डेप्थ है और 2 मेगापिक्सल मैक्रो है। पर जब फ्रंट में आएंगे तो यहाँ पे वीवो बाजी मारेगा, इसमें 32+8 मिलता है, तो पोको X2 में आपको मिलता है 20+2। तो जो 2 मेगापिक्सल फ्रंट में वो डेप्थ सेंसर है और 20 मेगापिक्सल रेगुलर फोटो क्लिक करता है एज़ कम्पेयर टू पोको X2। दोनों फ़ोन में एंड्रॉयड 10 की लेयरिंग दी गई है और UI अलग अलग हैं। इसमें पोको का UI है और इसमें आपको जो है वो वीवो का खुद का UI मिल जाता है, तो UI आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस UI की ओर जाना चाहते हैं। प्राइसिंग में थोड़ा
अंतर है, थोड़ा नहीं काफ़ी अंतर है, लगभग 9-10 हज़ार का अंतर आपको मिल जाता है। पोको X2 आपको लगभग 16 हज़ार के आसपास मिल जाता है, वहीं वीवो V19 की शुरुआती कीमत है 27,999 रुपये, जिस पर आप HDFC या ICICI कार्ड से 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। तो अब आप बताएं कि इस स्पेक्स पे इस कंपैरिजन के बाद आपको कौन सा फ़ोन सही लग रहा है। मेरे ख्याल से प्राइस ज़्यादा होने की वजह से वीवो पीछे रह जाता है, लेकिन कम प्राइस में डिसेंट स्पेक्स की वजह से, अच्छे स्पेक्स कहूँगा, डिसेंट नहीं कहूँगा, अच्छे स्पेक्स की वजह से पोको X2 वीवो V19 पे भारी पड़ रहा है। अगर इसकी कीमत भी लगभग 15-16 हज़ार रुपये होती तो ये दोनों टफ़ कॉम्पिटिटर्स हो सकते थे। अब यहाँ पे आप मुझे बताएं कि आप किस फ़ोन को लेना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो वीवो फ़ोन पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू शाओमी एंड पोको। तो आप क्या पसंद करते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज़ केशव खेरा साइनिंग ऑफ़।